अरे भाई भाई भाई, यूपी में चल क्या रहा है बॉस? अभी अतीक के लोंडे असद के एनकाउंटर में बने मीम्स की राख भी ठंडी नहीं पड़ी थी कि किसी ने अतीक और उसके भाई अशरफ के कनपटी पर गोली मारकर उनको भी जहां से रुखसत करा दिया। जिस तेजी से माफिया डॉन मारे जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम लोग गैंग ऑफ ओसेपुर लाइव शूटिंग देख रहे हैं। हालात ये है कि मुख्तार अंसारी जरा 2 मिनट बाथरूम में क्या ज्यादा लगा दें, वहां से लोग दरवाजे पर नोक नोक करके पूछते हैं, फ्रेश हो रहे हो या पलट गए हो? आलम यह है कि लोग गुड्डू मुस्लिम से उसका टोकन नंबर पूछ रहे हैं कि भाई तेरा नंबर कौन सा है, मगर जिस तरह से स्वतंत्र सेनानी अतीक और उसका मासूम भाई हिरासत में मार दिया गया, उस पर तमाम तरीके की बातें हो रही है। कुछ लोग इतने बड़े माफिया के मौत पर लड्डू बांट रहे हैं तो कुछ कानून व्यवस्था का मजाक बना रहे हैं, तो कुछ लोग कानून व्यवस्था का मजाक बनाने वाले का मजाक उड़ा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो अतीक के मौत पर इतनी छाती कूट रहे हैं कि मानो कोई माफिया डॉन नहीं, सहारनपुर में पानी पूरी बेचने वाला कोई गरीब और भोला भाला आदमी मारा गया हो। तो आइए आज के इस वीडियो में हम इसी रुदाली गैंग के सिंघाड़े लगाते हैं। माफिया सरगना अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। खबर मिलते ही पूरा देश दोनों महान कलाकारों के मौत से सदमे में डूब जाते हैं। रो रो कर लोगों का इतना बुरा हाल हो जाता है कि उनकी हंसी ही नहीं रुक पाती। लोगों का मूड इतना खराब होता है कि उन्हें आधी रात में पिज्जा ऑर्डर करना पड़ता है। कई तो इतने गहरे सदमे में चले जाते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कि पिज्जा के साथ कोक ऑर्डर करना है या पेप्सी। दोस्तों, मैं यह बातें तो बहुत हल्के फुल्के तरीके से कह रहा हूँ, मगर कुछ लोग सच में ऐसे व्यक्त कर रहे हैं कि जैसे कोई बांसुरी बजाने वाला मारा गया हो। मानो एक ऐसे इंसान की हत्या हुई है कि वह सारी जिंदगी कबूतर को दाना डालते हुए बिताया हो। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि किसी की भी मौत का जश्न नहीं मनाना चाहिए, मगर एक माफिया डॉन की मौत पर इतने आंसू भी तो नहीं बहा दो कि लगे पुलिस फायरिंग में यूनेस्को का कोई मानवाधिकार कार्यकर्ता मारा गया हो। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि किसी भी लोकतंत्र में अपराधी को कानून के हिसाब से ही सजा मिलनी चाहिए, मगर यह भी सच है कि जिस आदमी ने सारी जिंदगी कानून का मजाक बना रखा है, जज जिसके सामने भीगी बिल्ली की तरह घूमते हैं, जिसे 40 सालों तक किसी मामले में सजा ना मिली हो, जिसे ना जाने ही कितने लोगों की हत्या करवाई हो, कितनों की जमीन हड़प ली हो, ऐसे आदमी की कैसे भी अपने अंजाम तक पहुंचता है तो लोगों को तसल्ली होती है। अगर आप ऐसे माफिया की मौत पर राहत महसूस कर रहे हैं तो आम आदमी को कुछ लोग कानून का पाठ पढ़ाएंगे तो उसको इस बात का भी हिसाब देना पड़ेगा कि यही कानून उसे इतने सालों तक सजा क्यों नहीं दे पाई। उसे यह भी बताना पड़ेगा कि वह कानून कहाँ गया था जब भाई की हार से गुस्सा होकर अतीक ने राजू पाल पर गोलियां चलवा दी। गोलियां तक ही नहीं चलवाई, हॉस्पिटल में जाकर इंश्योर किया कि कहीं बच ना जाए, उसके बाद दोबारा गोली चलवाई। अतीक के मौत में कानून की मौत देखने वालों को कैसे इतना बड़ा माफिया पांच पांच बार समाजवादी पार्टी से विधायक बन गया, जो इंसान सब समाज में रहने के लायक नहीं है, कैसे कैसे वह आदमी देश के सांसद में पहुंच जाता है। जिस आदमी ने जिंदगी भर खुद कानून का पालन नहीं किया, वह सांसद बनकर कानून बनाने वाला बन जाता है। मजाक अतीक का मौत नहीं, मजाक अतीक का अतीत है। आप कहते हैं कि अतीक पर मुकदमा चलता, उसे कानून के हिसाब से सजा मिलती तो वह ज्यादा अच्छा होता। बेशक हम तो कह ही रहे हैं कि वह अच्छा होता, मगर यह देखते हुए कि इस देश में सालों साल ऐसे मामले आगे बढ़ते ही नहीं है, इस बीच कहीं सरकार बदल जाती तो क्या होता? क्या पता यूपी में 3 साल में सरकार बदल जाती तो जिन लोगों के साथ मिलकर अतीक पहले पॉलिटिक्स करता था, तो अगर वह सत्ता में आ जाते तो क्या गारंटी है कि उस पर चल रहे मुकदमे रातों रात नहीं रुक जाते? और जो मैं कह रहा हूँ वह मजाक नहीं है। जो लोग भी यह वीडियो देख रहे हैं और जो भी लोग इस देश की पॉलिटिक्स समझते हैं, वह यह जानते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वह एक एक बात सच हो सकती थी। इसलिए आज वह अतीक और उसके भाई की मौत पर राहत महसूस कर रहे हैं। मतलब जिस अपराधी ने सारी जिंदगी पुलिस वालों को अपनी जेब में रखे हो, गवाहों को धमकाया हो, जजों को डराया हो, राजनीति को अपनी रखेल बनाकर रखा हो, जो जेल में बैठे बैठे ही लोगों की हत्याएं करवा दे, आपको लगता है कि वह आदमी चुपचाप जेल में बैठकर अपनी फांसी का इंतजार करता होगा? साबरमती के जेल में रहते हुए उमेश पाल का कत्ल करवाने के पीछे भी उसकी ही सोच थी। क्या
क्योंकि उसे लग रहा था उमेश पाल की गवाही से न पलटने से उसका खौफ खत्म हो सकता था। यही सारे रीजन है कि आम आदमी की इस बात की दिलचस्पी नहीं है कि अतीक और उसके भाई पर हमला करने वाले कौन थे, उनका मोटिव क्या था। उनके लिए बस एक ही बात मायने रखती है कि जिस आदमी ने 40 साल तक प्रयागराज में और उसके आसपास के इलाके में अपना आतंक फैलाया, आखिरकार वह मारा गया। कैसे मारा, कौन मारा, आम आदमी को इसे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं तरीका तो भीष्म को भी मारने का गलत था। तरीका वह भी गलत था जिससे द्रोण को मारा गया, जिससे कर्ण का प्राण ले गए, जिससे दुर्योधन को मारा गया। तरीका गलत हुआ तो क्या हुआ, मरने वाला भी तो गलत था। एनकाउंटर असली हो या नकली, लादेन का हो या अतीक के बेटे का, उनका हिसाब जरूर लिया जाएगा। पापियों को नीति नियम, धर्म मर्यादा, न्यायालय और न्यायिक प्रक्रिया पर बात करने का कोई अधिकार नहीं है। मानवाधिकार मानव के लिए होते हैं, दानवों के लिए नहीं। और भगवान श्री कृष्ण भी गीता में यही सब कहते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।